नो सीमा डिसीज है ना, ये भी एक प्रोटोजोआ डिसीजेस है जिसकी की कॉजल ऑर्गेनिज्म है नो सीमा एपिस और नो सीमा सेरेनी है ना। ये बेसिकली एडल्ट हनी बीस को ही ये डिसीज कॉज होती है, और इसका जो है मेन साइट जो है ऑफ इंफेक्शन वो कहा गया इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है ना, जो इंटेस्टाइन होता है उसके ट्रैक्ट को ही ये मुख्य रूप से एडल्ट बीस के ये प्रोटोजोआ जो है इंफेक्ट करता है। और इसके सबसे बड़े सिम्टम्स ये होते हैं कि जो हनी बी है वो डिसेंट्रिक हो जाती है, अर्थात उसको दस्त लगने लग जाते हैं ना, दस्त लगने लग जाते हैं, और जो एब्डोमेन होता है वो पूरा का पूरा फेसियस से भरा रहता है, चमकदार हो जाता है, और एब्डोमेन स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है, सूजा हुआ दिखाई देता है ना। और जो वर्कर बीज जो होती है, एडल्ट वर्कर बीज जो होती है, उनके जो विंग्स होते हैं वे आपस में क्या हो जाते हैं, डिसजॉइंट हो जाता है, फैले हुए रहते हैं। फैले हुए विंग्स रहने के कारण से आपस में जुड़ नहीं पाते हैं विंग्स, और जुड़ नहीं का विंग्स के आपस में ना जुड़ने के कारण से जो हनी बी है वो आपका क्या कर देती है, उड़ नहीं पाती है ना। इसी कारण से जो हाइव के एंट्रेंस पे आप देखेंगे तो हनी बी जो है चलती हुई नजर आती, क्रॉलिंग करती है। और जो इसका मेन रूप से देखा जाए तो जो इन्फेस्टेड बीज का अगर हम इसको डिसेक्शन करके देखें तो जो मिड इंटेस्टाइन जो होती है ना इंटेस्टाइन, वो कैसे होते हैं, स्वेलन दिखाई देती है, डल ग्रेस व्हाइट कलर की दिखाई देती है, जिसमें कि पूरे पूरे जो है प्रोटोजोआ स्पोर्स जो है वो स्पोर्स से भरे रहते हैं, है ना। और कई हनी बीज जो है वो अपने जो बॉडी का हेयर है ना उसको भी लूज कर देती है ना। इस प्रकार से इसके जो है आपका ये देखिए चित्र में दिखा रहा है कि हाइंड गट जो है एक ऐसा है ना आपका इन्फ्लेम्ड हो गया, पूरा फूल गया है ना, और स्वेलन हो गया है ना, ये प्रोटोजोआ के कारण से ही होता है। इसका स्टेज ऑफ इंफेक्शन जो है वो आपका एडल्ट है ना, एडल्ट जो है आपका वो इन्फेक्ट होते हैं। इसका जो साइट ऑफ इंफेक्शन है वो होता है स्टमक है ना, स्टमक पे ज्यादा इंफेक्शन किया जाता है। मैनेजमेंट की बात करें तो जो भी जो अफेक्टेड कॉलोनी है उसको अपन एंटेकॉन एम ना 4.55 मिलीग्राम पर लीटर सुगर सिरप के साथ मिक्स करके वीकली इंटरवल पे फीड कराने से इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा जो ब्रूड बॉक्सेस होते हैं, फ्रेम्स होते हैं हाइव्स के, उनको जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड फ्यूम्स के जरिए जो है क्या कराना है, स्टरलाइज करना है ना, स्टरलाइज करना है, या उसमें जो है फ्यूम्स फ्यूमिगेशन करना है हाइव्स के चारों तरफ 40% फॉर्मलिन के जरिए है ना। और तो ये जो अपन स्टरलाइजेशन करने के बाद जो है उसको हाइव्स को फ्यूम करेंगे, तो फ्यूम्स को करने के पहले जो रानी मक्खी है ना, और जो दूसरी भी है, उनको नए जो है फाउंडेशन कॉम्ब से दूसरे कॉम्ब में शिफ्ट कर लेना है, उसके बाद ही जो है आपने को फ्यूमिगेशन का कार्य करना है ना। और इसका जो टाइम ऑफ ट्रीटमेंट है स्प्रिंग और विंटर है ना, स्प्रिंग और विंटर के समय में ये सब ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। दूसरी डिसीज है प्रोटोजोअन डिसीज, जिसको बोलते हैं एमओएबिक डिसीज है ना। एमोबिक डिसीज जो है इसका भी कॉजल एजेंट होता है मेलफीगा अमीबिया मेलिफिएसी। तो ये जो है जैसे नाम से हो रहा है कि मेलफीजिया अमीबिया है ना, तो मेलफीजियन ट्यूबल्स को, तो इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, मेलफीजियन ट्यूबल्स को जो है ये अफेक्ट करने का कार्य करती है ना। और ये जो है हनी बीज होती है, इसके सिम्टम्स की बात करें अपन तो हनी बीज जो है वो क्या करती है, ये जो इसके अमीबा के जो सिस्ट होते हैं उस सिस्ट को क्या कर देती है, इंजेस्ट कर लेती, खाती है, खाने के कारण से जो है ये हनी बीज जो है इन्फेक्टेड हो जाती है। जो कि क्या होता है, जो मिड गट का पोस्टीरियर एंड होता है या रेक्टम है ना, रेक्टम पे जाकर के ये जो है सिस्ट होती है वो क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं है ना। और ये सिस्ट जो है वो अपने आप को जो है लूज कर लेते हैं है ना, और फूल जाती हैं, और उसके जरिए जो है मेलफिजियन ट्यूबल्स के अंदर जो है घुस जाते हैं, और मेलफिजियन ट्यूबल्स से होते हुए जो है इंटेस्टाइन में जाते हैं, और साथ ही साथ जो है आपका फेशियल मैटर जो होते हैं उनमें आप देखेंगे तो ये आपको सिस्ट जो है इस अमीबिया अमीबा में दिखाई देते हैं, ये अमीबा जो है उस सिस्ट में दिखाई देते हैं। मोस्टली जो है इसके जो सिम्टम्स होते हैं अप्रैल और मई के महीने में ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। डिसीज के मैनेजमेंट की बात करें तो इसका जो है प्रॉपर हाइजीन कंडीशंस होना जरूरी है, हाइव के चारों ओर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस होने चाहिए है ना। और जो इक्विपमेंट्स जो हम लोग उसके रेयरिंग में जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं
उसका डिसइंफेक्शन करना है अपने को किसके कार्बोलिक एसिड के जरिए, 2% कार्बोलिक एसिड से जो इक्विपमेंट्स है ना उनका डिसइंफेक्शन करना है, और उसके अलावा जो अफेक्टेड कॉलोनी है उन कॉलोनी का डिस्ट्रक्शन करना है, और जो हनी बीज है ना उनको जो है फ्यूमिगेटेड बॉक्स में, जो जिस बॉक्स में जो है फ्यूमिगेशन है प्रॉपर स्टरलाइज है, उन बॉक्सेस में उस हनी बीज को शिफ्ट करना ही इसका इलाज होता है। इसके अलावा होता है अपना प्रोटोजोआ डिसीज के बाद कुछ होती है बैक्टीरियल डिसीजेस। बैक्टीरियल डिसीजेस में से प्रमुख रूप से दो डिसीज पाई जाती है, अपने देखा अमेरिकन फाउल ब्रूड और यूरोपियन फाउल ब्रूड है ना। तो अमेरिकन फाउल ब्रूड AFB इसको बोला जाता है डेडली डिसीज ना, डेडली डिसीज, और इसका जो कॉजल एजेंट है वो है पेनी बेसिलस लार्वी लार्वी ना? और ये जो है मोस्ट वाइड स्प्रेड और डिस्ट्रक्टिव हनी बी की ब्रूड डिसीजेस है ना, ब्रूड डिसीज नाम ही है, ब्रूड मतलब लार्वी है ना, तो ये लार्वी को ही इन्फेक्ट करने का कार्य करता है ना। इसके अलावा क्वीन है ना, ड्रोन और उनकी जो जितनी भी जो क्वीन है ड्रोन है वर्कर है उनकी जो लार्वी है ये प्रमुख रूप से इससे अफेक्टेड होती है, और इसका जो प्लेस ऑफ इन्फेक्शन है वो गट गट अर्थात फोरगट मिडगट हाइंड गट तीनों गट में जो है ये इन्फेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स अगर हम देखें तो जो है आपका डार्क ब्राउन कलर से इसके सिम्टम्स जो है लार्वी के स्टार्ट होते हैं, जो बाद में जो है आपका ऐसा चिपचिपा सा मांस लेकर के है ना, और बेकार गंदी सी बदबू है ना, गंदी सी बदबू जो है उस लार्वी में समझ में आती है, उस लार्वी से आने लगती है ना। तो बाद में जो है वो लेटर स्टेज में वो जो ब्राउन कलर है वो डार्क ब्राउन कलर में और चेंज हो जाता है, और वो जो लार्वी है वो स्टिकी मांस जैसी है ना चिपचिपी सी दिखाई देती है, उससे एकदम से गंदी सी स्मेल आती है, और अंत में वो लार्वी जो है वो खत्म हो जाती है। ये देखिए ये जो है आपका इरेगुलर और संकन ब्रूड है ना, ये जो है आपका ब्रूड के ऊपर जो है ना इस तरीके का इन्फेक्शन दिखाई देता है, और ये प्यूपी जो है देखिए क्योंकि लार्वल स्टेज में हुई तो प्यूपी जो जब प्री प्यूपल स्टेज होता है उस समय में ये डेड हो जाती है ना। तो इसका स्टेज इन्फेक्टेड जो है वो लार्वल स्टेज है। मैनेजमेंट की बात करें तो जो हाइव है ना उसको अपने को क्या करना है, एंटीबायोटिक्स है ना, एंटीबायोटिक्स का क्या नाम टेरामाइसिन है ना, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड टेरामाइसिन और टाइलोसिन टेरेट है ना, इससे जो है हमको क्या करना है उसको हाइव को डिसइंफेक्ट करना है ना, और कॉम्स के ऊपर डस्टिंग करना है किसकी, सल्फा थायाजोल पाउडर की है ना, और साथ साथ जो हाइव है ना उस हाइव को हमको डीप करना है जिसमें पैरटेसिन हॉट पैराफिन वैक्स या 3% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन इसको ब्लीच बोलते हैं अपन, उस सोल्यूशन में डीप करके देन उसके बाद जो है उसको डिसइंफेक्ट करके देन उस पर रेयरिंग का कार्य करना है ना। और जो इन्फेस्टेड कॉम्स होते हैं जितने भी अफेक्टेड कॉम्स हैं उनको सबको क्या कर देना है, बर्न कर देना है, जला देना है ना। इस प्रकार से हम जो है अमेरिकन फाउल ब्रूड का मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरा है यूरोपियन फाउल ब्रूड, यह भी एक जो है बैक्टीरिया के जरिए ही कॉज होता है, जिसका की कॉजल ऑर्गेनिज्म है मेलिसोकोकस प्लूटोनियस है ना, बेसिलस प्लूटोन इसको बोलते हैं, बेसिलस प्लूटोन भी बोलते हैं बैक्टीरिया है ना, इसके जरिए ये डिसीज कॉज की जाती है। इसका जो मिडगट, मिडगट जो होता है वो प्लेस ऑफ इन्फेक्शन है ना, मिडगट में ही ये अफेक्ट करता है, और इसमें की जो डिसीज लार्वी है वो हो जाती है पीले रंग की हो जाती है, बाद में और ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा तो ये भूरे रंग की हो जाती है, और ट्रेकियल सिस्टम जो है ना अंदर का ट्रेकियल सिस्टम बाहर से जब आप देखते हैं तो बिल्कुल विजुअल दिखाई देता है, जहाँ की ट्रेकियल सिस्टम इजिली देख सकते हैं अगर उस हनी बी पे यूरोपियन फाउल ब्रूड का अटैक है तो है ना। लार्वी जो है वो खत्म हो जाती है, बट लार्वी कैसी दिखाई देती है, कॉइल कॉइल मुड़ी हुई सी आकार की मुड़ी हुई दिखाई देती है, और उसमें से गंदी स्मेल आती रहती है ना, और सेल्स जो होती है देखिए कॉम्स की जो सेल्स है ये प्रॉपर क्या हो जाती है, कैप नहीं हो पाती है ना, ये देखिए ये पूरी पूरी अनकैप्ड है, जिससे सीलिंग नहीं हो पाती है, ये जो है आपके इसके सिम्टम्स है, इसकी स्टेज इन्फेक्टेड लार्वी है। मैनेजमेंट की बात करें तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ना इसका यूज करके हम लोग जो है इस डिसीज को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म टेक्निक ऑफ बी हस्बेंड्री कैन बी यूज्ड आल्सो टू इफेक्टिवली कंट्रोल द यूरोपियन फाउल ब्रूड डिसीज। एक डिसीज होती है आगे अपन लोगों ने प्रोटोजोआ देखा, बैक्टीरियल देखी है, देन उसका होती है फंगल डिसीजेस है ना। फंगल डिसीजेस जो है आपका उसमें से प्रमुख होती है चाक ब्रूड डिसीज है ना,
इसको बोलते हैं कार्क ब्लड डिसीज भी बोला जाता है। और चूंकि इसका ये जो है फंगस है, तो इस फंगस का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है एस्कोस्फेरिया एपिस, है एस्कोस्फेरिया एपिस। और ये चूंकि नाम से सो रहा है कि चाक बोर्ड है ना, तो ये क्या करता है चाक के जैसा अपीयरेंस होता है ना। और इसका जो प्लेस ऑफ इन्फेक्शन है ये गट है, फोरगट मिडगट हाइंडगट, मैक्सिमम मिडगट में ज्यादा अटैक करता है ना। और इसके सिम्टम्स की बात करें कि ये जो फंगस होती है ना, वो लार्वे का लार्वा जो होता है ना, हनी बी का जो लार्वा है, उसकी पूरी बॉडी को जो है ना क्या कर देता है, कंज्यूम कर लेता है ना। और जिसके कारण से पूरी की पूरी लार्वी जो है वो व्हाइट कलर की हो जाती है, व्हाइट कलर की चाक जैसी होती है, चाक ब्लैक बोर्ड में जो लिखते हैं उस चाक के जैसी जो है उसकी लार्वा की बॉडी हो जाती है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है चाक ब्लूम डिजीज, है ना, ठीक है, चाकी CHALKY चाकी है ना। और इसका स्टेज इन्फेक्शन जो है लार्वल स्टेज पर ही इन्फेक्ट करता है और गट को ही इन्फेक्ट करता है। मैनेजमेंट की बात करें तो जो है आपका वेट स्प्रिंग है ना, जो स्प्रिंग के समय में जो बरसात वगैरह होती है और ढीलापन जो रहता है, उससे हमको बचाना चाहिए है ना। और हेल्दी बीज से जो है जो दूसरी बी है इन्फेक्टेड बी है उनसे हमको इसको बचा करके रखना है। और हाई में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, क्राउड कंडीशंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से चाक ब्लूम डिजीज जो है वो आपकी का मैनेजमेंट किया जाता है। दूसरा होता है स्टोन ब्रूट डिसीज, है ना, स्टीन ब्रट डिसीज को बोलते हैं, ये भी फंगल डिसीज है। इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस नाइजर नाइजर, है ना। इसका प्लेस ऑफ इन्फेक्शन है एलिमेंट्री कैनाल। इसके सिम्टम्स देखेंगे तो जो डेड लार्वी होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है और उनको जो है स्टोन के जैसे, नाम भी है स्टोन, मतलब कड़ी हो जाती है, उनको आपको तोड़ना मुश्किल हो जाता है ना। फंगस जो होती है वो जब आप उसको तोड़ेंगे तो उसकी जो इंटरक्यूमेंट होता है लार्वा का, है ना, वो इस पे से एकदम पूरा का पूरा फंगस जो है